जो पश्चिम में आगरा सुरक्षित सीट है उसके ऊपर सभी की निगाहें बनी रहती हैं, उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसका दूसरे चरण में मतदान हुआ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट इसलिए है क्योंकि इस सीट पर जिस दिन गठबंधन की रैली होने जा रही थी वोट मांगने के लिए, उस दिन चुनावी आचार संहिता के तहत बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया जाने पर और वो उधर नहीं जा पाई। उनकी जगह पर वहाँ जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद जी, उन्होंने पहली बार उधर अपना भाषण दिया उनकी अनुपस्थिति में, और चौधरी अजीत सिंह जी, अखिलेश यादव जी और सतीश मिश्रा जी भी उस रैली में मौजूद थे जिन्होंने उनके लिए वोट मांगे। काफ़ी हमने देखा था, बड़ी रैली थी, तो उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर उनके ना जाने से कुछ वोट पर फर्क पड़ेगा, लेकिन लगा नहीं कि उसके ऊपर कोई फर्क पड़ा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उस पर सिंपैथी की वजह से ज़्यादा वोट उनका बढ़ सकता है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, दलितों की राजधानी के नाम से आगरा को जाना जाता है और जो यहाँ से डिसाइड होता है वो पूरे प्रदेश में चलता है, ख़ास तौर से दलितों में। यहाँ पर 2,80,000 जो मतदाता हैं वो शेड्यूल कास्ट के हैं, 2,70,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 1,30,000 बघेल मतदाता हैं और 3,15,000 वैश्य मतदाता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टोटल जो 19,00,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से लगभग 9-10 लाख ये मतदाता हैं। इसके अलावा आपके इतने ही मतदाता अन्य और भी हैं, तो यहाँ पर अगर बात कैंडिडेट की करें तो एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। पिछली बार यहाँ के जो सिटिंग एमपी थे वो श्री रमाशंकर कठेरिया जी थे और वो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के इस समय अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनको यहाँ से हटा के इस बार इटावा में शिफ्ट कर दिया गया है और इस बार यहाँ पर एसपी सिंह बघेल, जिनके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर भी मुकदमा पड़ा हुआ है क्योंकि बघेल जो पाल समाज है, गडरिया समाज है, जो ओबीसी में आते हैं उसमें भी इनका नाम है और इनका नाम जो है इसमें भी शेड्यूल कास्ट के उसमें भी सर्टिफिकेट में भी है, तो इसलिए ये विवादित हैं यहाँ पर कि इनको शेड्यूल कास्ट की सीट पर एक ओबीसी के आदमी को टिकट दिया है, ऐसा मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोगों में ये चर्चा है। दूसरा जो मनोज सोनी हैं ये उद्यमी हैं, एक बड़े उद्यमी हैं मनोज सोनी और ये बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं। ये पिछली बार हाथरस से इनको कैंडिडेट थे लेकिन यहाँ से हटा करके इनको फिर आगरा में
दिया गया है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने उधर से ली थी तो उसमें ऐसा पता लगा कि शेड्यूल कास्ट का 90% वोट जो है मनोज सोनी जी को मिल रहा है। तीसरी जो कैंडिडेट हैं, जो इनकम टैक्स की प्रिंसिपल कमिश्नर रही हैं प्रीता हरित जी, उन्होंने अभी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया और उन्होंने यहाँ से इस सीट पर अपना पर्चा दाखिल किया है। वैसे तो ये भी मनोज सोनी की बिरादरी की जाटव समाज की हैं, लेकिन ये वहाँ पर नई होने के कारण और चूंकि आगरा से आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी का एक आधार बना है और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी के लिए जो आधार वोट है उनका जाता रहा है, और इसलिए दूसरी पार्टी का यहाँ पे इसमें वोट में घुस पाना बहुत मुश्किल है। तो ये अपनी बिरादरी के सहारे नहीं बल्कि दूसरे लोगों के सहारे यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप जाति समीकरण देखेंगे तो मनोज सोनी के फेवर में जा रहे हैं, और जो वोट है चूंकि वो बघेल समाज के हैं एसपी सिंह बघेल, और बघेल समाज का 130,000 यहाँ वोट भी है, ये इनका आधार वोट है, और 280,000 जो आधार वोट है वो मनोज सोनी जी का है। तो मनोज सोनी जी के वोट में तो प्रीता हरित सेंध लगाती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अब जो ब्राह्मण वोट है, वैश्य वोट है, जाट वोट है और ओबीसी का वोट है, ये लोकदल का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने के नाते ये लगभग 4-5 लाख वोट भी इनके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए इस बार ऐसा लगता है कि जो आगरा की सीट है जिसमें आपका आगरा दक्षिण आता है शहर का, आगरा उत्तर शहर आता है और आगरा कैंट आता है, एतमादपुर आता है जो रिजर्व सीट है उसकी विधानसभा की, और जलेसर आता है। जलेसर जो है ये इसका नहीं है, आगरा का नहीं है, एटा ज़िले का इसमें तहसील है जलेसर, उसको इसमें लगाया गया है। तो ये 5 सीटें इसमें आती हैं और 5 सीटें में ग्रामीण अंचल ज़्यादा नहीं है, शहरी अंचल के हैं। तो इसमें जो वैश्य मतदाता है और वैसे जो दूसरे मतदाता हैं जो जाटव कहलाए हैं उनका भी काफ़ी रोल रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये 270,000 मुस्लिम का वोट है तो ये 6 लाख के करीब वोट जो है ये तो पक्का है इनका। इसके साथ कितना वोट और ले आते हैं वो तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि सोनी जी यहाँ पे जीतने के लिए दावा कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सीट है इस बार आगरा से बहुजन समाज पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, और बाकी तो सही सही जो रिजल्ट है वो तो आपका जो है 23 मई को ही पता लगेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।